Okay, assalamu alaikum everyone. I am Ariba Tayyab and I will be moderating today's session. आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेसिफिकली व्हेन टॉकिंग अबाउट आर्ट्स इन जनरल इन पाकिस्तान. तो देर इज ऑलवेज अ सेटबैक बिकॉज जो हमारी आर्ट है वो किसी हद तक लिमिटेड होके रह गई थी कैनवस पे. बट टुडे आई हैव एन आर्टिस्ट विद मी जो इसको बियॉन्ड कैनवस लेके गए हैं. डिजिटल आर्ट इज डेफिनेटली समथिंग दैट्स इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान डे बाई डे. लेकिन वट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट दिस आर्टिस्ट इज दैट ही इज वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ डिजिटल आर्ट. तो डिजिटल आर्ट क्या है, इसको हम टीचिंग में किस तरह से इनकलकेट कर सकते हैं, मोरालिटी की बात हम कैसे कर सकते हैं डिजिटल आर्ट के थ्रू, आज इस पर बात करेंगे एक यंग लेक्चरर से जो कि टेक्निकल कॉलेज से हैं, जिनका नाम है मोहम्मद उस्मान और जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है इकबाली आर्ट पे और सारी वो मोरालिटी जो है वो यूथ को सिखाने में. सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद उस्मान. उस्मान थैंक यू सो मच फॉर यू नो ज्वाइनिंग अस टुडे. मैं जानती हूँ कि इतना आप लोगों का बिजी स्केड्यूल एंड स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट रमजान एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज एक्टिविटीज और मिड इज COVID-19, ये बहुत मुश्किल है लेकिन किसी तरह से ये सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए. तो आज हम बात करेंगे डिजिटल आर्ट के बारे में. डेफिनेटली वी हैव सो मेनी इमेजेस दैट वी हैव शेयर्ड ऑन आवर फेसबुक पेज एज वेल. तो बात शुरू करते हैं उस्मान इस बात से और वो जो व्यूअर्स देख रहे हैं हमें, आई एम श्योर उसमें बहुत से आपके स्टूडेंट्स भी हैं. तो व्हाट इज डिजिटल आर्ट अगर हम बात करते हैं. ओके मैम, मैं इसका स्टार्ट कुछ ऐसे लूंगा. अगर आप डिजिटल आर्ट की बात करें तो 1970 से स्टार्ट हो चुका था डिजिटल आर्ट का. ओके, यानी किस तरह की वर्ड्स जो हैं वो डिजिटल आर्ट की आपकी अकॉर्डिंगली मल्टीमीडिया साउंड और इफेक्ट की आना, इस तरह की वर्डिंग जो थी वो थीम जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी. ये बेसिकली प्योरली स्टार्ट हुआ सन 2000 में जब HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एक सब्जेक्ट है जो कि BS ऑनर के अंदर MS और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ये डिजिटल आर्ट की टर्म आती है. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि लोग परेशान हो गए. ये जो डिजिटल आर्ट है पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूशन में अभी इसका कोई आपको नाम नहीं आएगा नजर. इवन NCA जो लाहौर का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर भी डिजिटल आर्ट की टर्म और डिजिटल आर्ट का कोर्स जो है वो आपको नहीं मिलेगा. बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में है और ये चीजें ज्वाइन हो रही हैं. अब मैं थोड़ा सा जरा लोगों को थोड़ा सा बता दूं, HCI की दो बेसिक टर्म है, एक है CHI कंप्यूटर ह्यूमन इंटरेक्शन और एक है SIG. जो CHI है वो बेसिकली मोबाइल ऐप थीम आपकी वेबसाइट वो इसके ऊपर वर्किंग कर रही है. ओके, और जो SIG है स्पेशल इंटरेस्टेड आपका ग्रुप जो है इसके अंदर इंटरेक्टिव आर्ट्स. सबसे बड़ा जो डिजिटल आर्ट की टर्म शुरू हुई वो इंटरेक्टिव आर्ट से है कि कंप्यूटर साइंस IP जो है कि वो कुछ ऐसा काम करें यानी आपके डिजाइन के अंदर ऐसे एस्पेक्ट्स हों ऐसे एलिमेंट ऐड हो जो लोगों के साथ इंटरेक्टिव मोड हो और जो लोग जिससे कुछ सीखें यानी आपका काम आपका डिजाइन उनसे बातचीत करे इंटरेक्ट करे. तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में 20s MPhil के थीसिस जो हैं वो इसमें जर्नल्स हो चुके हैं पब्लिश. और बेसिकली MPhil की मेरी जो सारी रिसर्च है वो डिजिटल आर्ट पे है और सारी की सारी जो रिसर्च वो डिजिटल आर्ट पे बेस्ड कर रही है. That's amazing. So would you like to tell something about your thesis? जी मैम, थीसिस जो मेरा है जब मैं देखा कि लास्ट टाइम जो मुल्क के हालात थे और बच्चों के साथ जो उसमें विद्यार्थी केस कुछ इस तरह के मामला मुल्क में थे तो मैंने सोचा कि IT को कुछ बुरा ही कहा जा रहा था. वो ये नहीं था समझा जा रहा कि IT कुछ अच्छी है या हमारे आने वाले बच्चों के लिए कुछ IT कुछ इनहेंस कर सकती है. तो क्यों ना मैंने सोचा कि HCI के अंदर जो SIG की असल में टर्म है ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनको पता चले कि प्रॉपरली वर्किंग हो रही है. जो मेरा आज का टॉपिक है ये मेरी सोच नहीं है, इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग हो चुकी है और 20 ऐसे आर्टिस्ट हैं जिसपे जो इस पर काम कर रहे हैं. आपको डेवियंट आर्ट में लिंक बता रहा हूँ साइड, इस पर डिजिटल आर्ट का बहुत काम आपको मिलेगा. मैं इंस्पायर हुआ और इंस्पायर होने के बाद मैंने कोई अपना टाइटल बेसिकली रखना था. तो बीइंग ए मुस्लिम मैं ये सोच रहा था जो हमारे मुस्लिम हीरोज हैं मैं अपने आर्ट वर्क के अंदर उनको लेके आऊं.
क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डिजिटल आर्ट SIG के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, जो कि HCI की ब्रांच है। अब थीम क्या रखनी थी, तो वो थीम फिर मैंने आगे इससे रिलेटेड जो है वो सिलेक्ट की, और टाइटल जो है ये फाइनल चैप्टर जो है इसका वो कंप्लीट हो चुका है मेरे सारे थीसिस का, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी, जैसे कुछ हालात बेहतर होते तो इंशाल्लाह आपको नजर भी आएगा, पब्लिश भी होगा ये। ओके दैट्स अमेजिंग, वी लुक फॉरवर्ड टू सी योर थीसिस। अच्छा उस्मान, आपने बताया डिटेल में कि किस तरह से ये चीज़ होती है, मुझे बताएं एक आर्टिस्ट का ना एक पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है जिसे हम कहते हैं म्यूज, एक इंस्पिरेशन जिसको वो लेके चलता है, तो वो ऐसा एक पॉइंट मुझे बताएं जो मतलब जो जिसने आपको एक्चुअली में इंस्पायर किया कि मुझे ये चीज किसी तरह आगे लेके आनी है, व्हाट वाज दैट पॉइंट डिसाइडेड। अल्लामा इकबाल बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, हमने बचपन से सुना, स्कूलों में पढ़ा, हम देखते बिल्कुल आए कि इकबाल हैं। मैंने यहाँ तक कि हमने उस चीज़ को रियलाइज किया, ऑब्जर्व किया मैंने इकबाल को, ये नहीं है कि किसी उस्ताद ने कहा पढ़ लिया ये चीज़ें। इकबाल के अंदर लाइक मैं इंस्पायर होने की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इकबाल इज लाइक आप कह लें आपस में स्पार्किंग, जैसे एक बल्ब आपके नियॉन बल्ब है वो ऑन होने होने से पहले एक ऐसे में स्पार्क होता है, तो इकबाल को ब्यूटीफुल पढ़ने के बाद, कलाम को पढ़ने के बाद वो बूस्ट अप होता है कि इंसान वो ये नहीं समझता यार ये मेरे से ये काम नहीं हो सकता, मैं नहीं हूं, मेरे से होगा नहीं होगा, यानी ये चीज बहुत ज्यादा मुझे इंस्पायर की। तो चूंकि मेरा स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन था बहुत ज्यादा, अब मैं सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, 2017 के अंदर फर्स्ट मैंने डिजिटल आर्ट एग्जीबिशन की, तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में एनुअल एग्जीबिशन होती है, ओके एनुअल एग्जीबिशन के अंदर मैंने ऐसे में डिजिटल आर्ट के ऊपर बच्चों को अब सेलेक्ट किया। तो पहले मेरी हेड के साथ इस बात पे थी बहस हुई कि डिजिटल आर्ट जो है वो IT का पार्ट नहीं है, अब कैसे लेके आ सकते हैं इसको। तो फिर मैंने उनको डिटेल से ये सारी चीजें उनको मैंने बताई कि ये सारा पार्ट है। उसके बाद अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अब जो स्टूडेंट ने मेरे साथ हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, आप यकीन करें मैंने ओपन इस तरह की अनाउंसमेंट की कि बेटा जो आप में से 3 सब्जेक्ट में फेल है या 4 में फेल है वो बच्चे हैंड रेज करें। मैंने वो उन स्टूडेंट्स को मैंने लिया और सिलेक्ट किया, और उस वक्त मैंने डिजिटल आर्ट की प्रॉपरली एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की और एक्सप्लोर के नाम से उसकी थीम रखी। क्यों? जब मेरी थीम ही एक्सप्लोर है तो मैं उन स्टूडेंट्स को लूँ जिन्होंने अभी तक अपने आप को एक्सप्लोर नहीं था किया, और इकबाल वो नहीं सोर्स है, इकबाल वो मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत बहुत जबरदस्त बात की है, एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पे अच्छे टीचर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज आई ऑल्सो वर्कड इन टेक्निकल इंस्टीट्यूट और मुझे रियलाइज हुआ कि वहाँ पे बहुत जरूरत है अच्छे उस्ताद की, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू वर्किंग फॉर अ टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ओके मूविंग फॉरवर्ड, मुझे ये बताएं क्योंकि स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं बहुत से और बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं डिजिटल आर्ट के बारे में, प्रोसेस क्या है, सीखना कैसे है डिजिटल आर्ट को, अगर आप कंपोज करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं कुछ, तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या सॉफ्टवेयर्स हैं, किस तरह से इसको सीखा जा सकता है, दोज हु आर नॉट एनरोल्ड लाइक रेगुलरली, जो सब्जेक्ट में एनरोल नहीं है लेकिन एज साइड रूटीन और साइड हॉबी दे वांट टू पुट मैम, आई थिंक मल्टीमीडिया आर्ट और आपकी डिजाइनिंग ये तो हर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल उसके बाद आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, मल्टीमीडिया के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि NCA ठीक है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए जा रहे हैं। मैं भी बिल्कुल जब NCA का स्टूडेंट था, मल्टीमीडिया आर्ट के अंदर मैंने अपनी सर्टिफिकेशन जब की कंप्लीट की, तो तब देखें एक आर्टिस्ट का एक माइंड होता है, उसकी एक मेंटल बिल्कुल अप्रोच होती है, वो किस थीम को लेके जाना चाह रहा है। तो ये टूल्स अभी आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया आर्ट, एनिमेशन सॉफ्टवेयर, जितने मैं नाम भी बता रहा हूँ आपको, एडोब बता रहा हूँ इसके अंदर ठीक इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, आफ्टर इफेक्ट एनिमेशन के लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ये सॉफ्टवेयर आते हैं, उन्होंने बिल्कुल काम किया भी है, लेकिन ये बात है मॉरल वैल्यूज के ऊपर कौन आ रहा है डिजाइनर, या कोई क्या नाम है डिजाइनर ये चीज सोच रहा है कि यार मैं अपनी डिजाइनिंग ठीक है वो कर रहा है, वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा है, वो डिजाइनिंग को सोर्स ऑफ अर्निंग भी बना रहा है, लेकिन वो ये क्यों नहीं सोच रहा है कि मैं अपनी डिजाइनिंग से कुछ ऐसा काम करूं जिससे लोगों को भी फायदा हो। इंटरेक्टिव मोड ऑफ कह लें आप इसमें लर्निंग, वो बहुत सारे डिजाइनर्स में नहीं है। सबसे पहले डिजिटल आर्ट के लिए आपका स्केच बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, स्केचिंग, मल्टीमीडिया वही है, जैसे एक सिंपल आर्ट है आपका जैसे
ट्रेडिशनल आर्ट है जो पहले चला आ रहा है वही आर्ट है, उस आर्ट को कंप्यूटर ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी टूल्स ने इनहेंस करके डिजिटल आर्ट की फॉर्म में ले गया है। डिजिटल आर्ट की फॉर्म में ले, डिजिटल आर्ट। अब हमने ये डिजिटल आर्ट की टर्म इसलिए यूज की, ओ लेवल ए लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, वो ज्यादातर ट्रेडिशनल आर्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। बिल्कुल, वो जो आजकल एनिमेशन है, एनिमेट हो रहा है, वो उसकी तरफ आना चाह रहे हैं और उनका ज्यादातर इंट्रैक्शन जो है वो डिजिटल आर्ट की तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए मैंने इस, मेरे ख्याल में इस वक्त इकबाल पे इस तरह से काम नहीं हुआ जैसे मैंने करके दिया, अभी आपने शेयर किया है आपने दबिस्तान के पेज पे, और दबिस्तान इकबाल वो ऐसा वाइड इदारा है जिसके प्लेटफॉर्म पे मैंने 3 से 4 मरतबा एग्जीबिशन हो चुके हैं डिजिटल आर्ट मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में किए हैं। मैं बकायदा हर साल में 2 मरतबा 21 अप्रैल और अलामा इकबाल की पैदाइश का दिन भी है और वफात का दिन 21 अप्रैल, इन 2 साल में 2 दिन हम एनुअल एग्जीबिशन हमारी होती डिजिटल आर्ट, और उसकी कोई ना कोई थीम होती है। ऐसा ही नहीं कि मैंने अपने आर्ट वर्क उठाए वही पुराने और उनको लगा दिए, नहीं नहीं कोई थीम होती है हर बार, कोई थीम होगी, मोटिवेशनल थीम होगी, स्टूडेंट के साथ होगा, और ये इसी से ही मेरा काम होता सारा। ये जबरदस्त है। अच्छा, मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं इसके साथ साथ मैं चलती हूँ, आपने बात की थी कि चेंज की, तो आपके मुताबिक डिजिटल आर्ट को सोशल चेंज के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, और मुझे पता है कि आपके काम में ये बात बहुत ज्यादा है, तो किस तरह से किया जा सकता है इसको सोशल चेंज के लिए? मैम, सोशल चेंज बेसिकली देखें, मैंने एक लाइव अभी अभी आपको रिसेंटली अपनी ही एक एग्जाम्पल दी, जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन देखें। अब मैम, फॉर एग्जांपल, हम उसाज़ा प्रोग्राम में कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो सिर्फ कोर्स अपना पढ़ा के चले जाते हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ कोर्स पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा 45 मिनट है, कोर्स आउटलाइन दी हुई है, हमने कोर्स पढ़ाना है और हमने चले जाना है, हमारा इसके साथ कंसर्न है, हम नहीं जानते आगे क्या है पढ़ाना या नहीं। तो यकीन करें, मेरे पास ऐसे में डिजाइनिंग का सब्जेक्ट है, मैं DAE जो है डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर्स के स्टूडेंट है, मैं उनको पढ़ाता हूँ और डिजाइनिंग की असाइनमेंट ही दिया। अब मैम, जहां तक आप सोशल की बात करते हैं, नॉलेज होना, कुछ आपके पास आजदा ने रिसर्च जो की है वो कम की है, जैसे इशफाक अहमद को भी पढ़ना आपके लिए जरूरी है, ठीक है, फिर स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज होना चाहिए। आप स्टूडेंट को पहले इंस्पायर, देखें आपकी आपके पास लाइट होगी तो आप किसी स्टूडेंट की तरफ लाइट देंगे, जिसके पास अपने अंदर रोशनी नहीं होगी वो किसी को क्या देगा रोशनी। बिल्कुल, नॉलेज होना पहली बात बहुत जरूरी, फिर आपकी आपके अपने पास ऐसे स्किल्स होने चाहिए जिससे स्टूडेंट इंस्पायर हो। नॉलेज है तो आपको भी पता है स्टूडेंट इंस्पायर होता है, वो टीचर से उससे इंस्पायर होगा। लेकिन मुझे 3-4 साल हो चुके हैं इस टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, मैंने IT भी पढ़ाई, IT के साथ इखलाकियात मॉरल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए मैम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स के पास मॉडर्न नॉलेज के साथ साथ उनके अंदर कुछ बुरी आदत भी हो सकती है, जैसे आप असल में हैकिंग का जिक्र कर लें, हैकिंग प्रोग्रामिंग सीखने के बाद बच्चे उस हैकिंग को आपके नेगेटिव यूज में भी ले जा सकते हैं। Agreed. तो हमने बच्चों को कुछ ऐसी चीज भी देनी है, ऐसा सोर्स भी देना है जिससे उनके अंदर एक इंसानियत भी हो, एक अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ ह्यूमैनिटी उनके अंदर, क्या लें आप ऐसे में शेयर, कोई चीज शेयर करनी है, जैसे नोट्स बनाते हैं। मैम, आपसे भी कोई पूरी बात, ये बात आप भी नहीं भूलेंगी, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े देखें, कोई अपनी असाइनमेंट नहीं बताता, शेयर नहीं करता। एग्जैक्टली, नॉलेज है, रिसर्च के टॉपिक नहीं शेयर किए जाते। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, एक्चुअली एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ा फॉल यही है। हम, मैं एक और चीज आपको बताऊं, M2 के अंदर मेरे पास 41 हम सारे स्टूडेंट्स थे और 3 स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने क्या नाम है रिसर्च किए, थीसिस किया। ओके, और 80% वो सारे स्टूडेंट थे जो कह रहे हैं कि हमारी जॉब है, अगर M.Phil की डिग्री देंगे तो 5,000 इंक्रीज हो जाएगी, वो 5,000 सैलरी बढ़ा रहे हैं, और बेसिकली यहाँ पे कोई M.Phil की रिसर्च करने आया ही नहीं है। अब कोर्स वर्क किया, जस्ट M.Phil का टैग लगवाना है और आगे चले जाना। तो जब मेरा असल में डिफेंस हुआ, मैं 5 मिनट में मेरा हुआ था डिफेंस, तो ज्यूरी थी सारे, तो उन्होंने कहा बेटा आपके थीसिस में, मैंने कहा मैं चाहता हूँ मेरा जो भी ऐसे में थीसिस है वो लाइब्रेरी में या आपके ऑफिस में पैक होके ना रह जाए, वो वहां से निकले, लोगों की सोच बदले, सोर्स बदले।
मैंने क्या करना उस असल में थीसिस को, जो बुक है पैक होके रह गई है, बस एग्जैक्टली जस्ट धूल ग्रीन मट्टी कॉपी. पड़ रही है। हाँ, धूल मट्टी पड़ रही है उसके ऊपर। अब यही बातें मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की, तो ये बात है कि क्या नाम है, टीचर को खुद रोल मॉडल, और रोल मॉडल इकबाल, ये मैंने आपको बताया, इकबालियात बहुत पढ़ाई मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है। क्यों इकबाल को शेयर किया? क्योंकि इकबाल असल में उस आदमी को जिंदा नहीं मारा जो असल में चल रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, जिसके पास सोच नहीं है, सोर्स नहीं है, उसके पास ये कह लें आपके, वो यही नहीं जानता कि वो दुनिया में आया क्यों है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अभी FSC में बच्चे पूछ रहे थे, सर आप बताएं कि क्या कह रहे हैं हम आगे। उनको यही नहीं पता हम किस इंस्टीट्यूशन में जाएं, कहाँ हमने जाके एडमिशन लेना है, ये चीजें। इसलिए मैं, मेरी जो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है वो इकबाल से इसलिए ज्यादा है। इकबाल का जो लेवल है कलाम का है वो बहुत हाई लेवल है, और वो जो आदमी इकबाल को स्टडी करता है फिर उस पर भी कुछ असर होता है, तो ऑलरेडी फिर इंसान मोटिवेट हो जाता है, मोटिवेशन मिलती ही मिलती है। मैं कभी मायूस नहीं हुआ अपने स्टूडेंट से, कभी भी मायूस नहीं हुआ, और हमेशा से उनको मोटिवेट किया। और आज 4 साल से जो स्टूडेंट फेलियर होते हैं, जिनको कोई भी नहीं पूछता, यानी इस टीचर जो छुप छुप के बैठते हैं कि सर हम आएंगे नहीं डिस्प्ले पे, हम नहीं आ सकते पोजीशन, हमसे काम नहीं हो सकता, उन्हीं बच्चों को मैं लेके आया हूँ और उन्हीं ने पोजीशन ली है, वही बच्चे आए हैं जबरदस्त उन पे। जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा उस्मान, हम लोग सेशन को लेके आगे चलेंगे, लेकिन बड़ा एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया है. हमारे एक व्यूअर है मोहम्मद अली, उन्होंने कमेंट दिया है कि इट वुड बी ग्रेट इफ सम ग्लिम्पसेस ऑफ योर डिजिटल वर्क कुड बी डिस्प्लेड, तो इफ वी कैन जस्ट शेयर सम ऑफ योर वर्क ओवर हियर ऑन द स्क्रीन, तो दैट वुड बी ग्रेट. ओके मैम, मैम मैं सबसे पहले यहाँ से शेयर करूंगा अपना फेवरेट जो आर्ट वर्क है उसको जी लूंगा, जो कि सबसे पहले जब मैंने इसको बनाया था यहाँ से। मैम आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा ये आर्ट वर्क, हाँ जी बिल्कुल. आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्प्ले दिस ऑन द स्क्रीन. जी सो तो मैं व्यूअर्स वी कैन सी स्पेशली, नाउ. हाँ इस शेर की तरफ जाएं, किस तरह हुआ कुकुन तेरा नश्तरे तहकीक। अब कुन जो जो आपका समय जंग वगैरह आपको लग जाता है उसको कहते हैं। अब नश्तर ये बहुत तेज आला होता है चाकू, चीर फाड़ करने वाला, उसको समय नश्तर कहते हैं। तहकीक रिसर्च की दुनिया, होते नहीं यस कि क्यों क्यों तो से सितारों के जिगर चाक। तो यानी यहाँ पे आप जब इस आर्ट वर्क को देखेंगे, आप रिसर्च एलिमेंट को देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे एक मैंने रिसर्चर को बिठाया, एक स्टूडेंट है जो कि रिसर्च कर रहा है। आई नेवर बाउंड्रीज नहीं है नोटिस उसके दिस. पास, हाँ जी बाउंड्रीज नहीं है, अनबाउंडेड होके कर रहा है। और देखिए यहाँ पे एक सियारा यानी सितारों के जिगर चाक, उसको भी मैंने प्रेजेंट किया। अब इसका मीनिंग में क्या कहते हैं कि यानी इकबाल, बहुत सारे मीनिंग है अलामा के अशार के, लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या है कि आपका रिसर्च वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और पाकिस्तान में स्पेशली स्टूडेंट के अंदर रिसर्च है ही नहीं है, सिरे से बिल्कुल बिल्कुल रिसर्च नहीं है हमारे अंदर। तो इकबाल कहते हैं अगर किसी चीज को आपने निग्लेक्ट करना है, थ्रू प्रॉपर आप उसको रिसर्च करें, अपने आप को मनवाना है, अपनी बात को मनवाना है, तो आपको प्रॉपर रिसर्च करके फिर करना, और रिसर्च इतनी स्ट्रांग हो कि आप सियारा क्या उसका भी जिक्र चाह कर दें, बहुत आगे जाएं, बहुत आगे पढ़ें। तो यहाँ पे क्या है, रिसर्च मेथडोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, दिया ही नहीं गया। अब दूसरा एक आर्ट वर्क, या अगर आपको विजिबल हो रहा होगा तो हाँ जी ये उस्मान, दिस फार्क, इज माय फेवरेट पर्सनली, दिस इज माय आप फेवरेट. देखें कब तक तू अपने आप को पानी और मट्टी समझता रहेगा, उठ और अपने वजूद से दूर का सा शोला। अब यहां से मैंने एक पर्सन लिया जो खुद को पानी और मट्टी समझ रहा है, कोई तूर है और इधर असल में तजल्ली है। अब इस आर्ट वर्क के को मैंने जो अपने टर्म में स्टूडेंट के लिए मैंने एक्सप्लेन किया, पानी और मट्टी जैसे में दुनिया की चीजें हैं। तो कब तक हमारे अंदर ये एक इशू है कि मुझे पूछा नहीं, मुझे इज्जत नहीं दी, मेरे एहतराम में खड़ा, हम इन चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हम छोटी छोटी बातों को फील करते हैं, इन चीजों पे रियलाइज हो जाते हैं, तो हमारे अंदर कोई नई सोच पैदा नहीं होती, वो क्या नाम है, जन्म ही नहीं लेगी, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में हमने अपने दिमाग को, सोच को बिजी कर लिया हुआ है, तो हमारे पास नया सोर्स क्या आएगा। हमने ये देख लिया फलाने मुझे नोट्स नहीं है, उसने पूछा नहीं है, या ये जो दुनिया की छोटी छोटी बातें, घरेलू बातें हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, गुजरते मूड ऑफ हो गया, हम सारा दिन उसमें रहेंगे। जब हम उससे क्या नाम है निकलेंगे, तो कुछ नई चीज मिलेगी ना हमें, कोई हम पे एग्रीड. तकल्ली होगी, कोई हम आगे निकलेंगे।
तो ये मैंने जितना जो वर्क किया था इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि टाइम काम है, टाइम काम है, तो टाइम में मैं थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ जो है वो शेयर मैं करना चाह रहा था, ताकि जो है स्टूडेंट्स तक ये बातें पहुंचे। अब ये देखें सबसे बड़ी यहाँ के स्टूडेंट्स की बात, ये आर्ट वर्क जो है, तेरा बहर पुर सुकून है, ये सुकून है या फसूं, ना नहिंग ना तूफान, कोई मतलब तूफान आए, आपकी खराबी हो, आप किनार। अब स्टूडेंट क्या चाहता है, अब आप देखें COVID-19 में हर बच्चा खुश है कि हमारे एग्जाम नहीं हो रहे, सर शुक्र है, एग्जैक्टली सर शुक्र है हमारे एग्जाम नहीं हो रहे, बहुत खुशी की बात है। यानी फिर दूसरी बात वो चाह फिर दूसरी बात स्टूडेंट की क्या अप्रोच है कि सर कुछ ऐसी जॉब मिले जिसे हम सारी जिंदगी, मतलब कोई जॉब मिल जाए, इजी हो जाए, बस हमने पढ़ा, हमने डिग्री ली, हमें जॉब मिल जाए, हम सारी जिंदगी वही की जॉब, बस फिर क्या हुआ, शादी बच्चे, फिर उसके बाद फोत हो गया, एक आम आम लाइफ जो है वो आपने गुजारी है, ये लाइफ नहीं है। लाइफ ये है कि आपके होने से किसी को कुछ एहसास हो, आप कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों को कम से कम कुछ फायदा हो। अब यहाँ के जितने स्टूडेंट हैं ये उन पे शेयर फिट होता है, वो किसी तूफान के साथ असल में टकराना ही नहीं चाहते, कोई अपोजिट बिल्कुल फोर्स को वो फेस ही नहीं करना चाह रहे। अब इस आर्ट एग्री वर्क के अंदर ये देखें, ये बिल्कुल कश्ती को तूफान है ही नहीं, कोई बैड मकसद है जो बुरे, यानी ये यहाँ पे जो बैड आपको नजर आ रही है, ये अंदर का आपका नफ्स, यानी बस मैं ही ओके क्यों, हाँ ये मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा, बस हमने सुकून रिलैक्स, देखें कोई तूफान नहीं है, कश्ती है खड़ी है, वो बैठा है अपना आदमी पर सुकून, बादल है, क्लाउड है, काला है, यानी ये बादल जो मैंने आसमान ब्लैकिश लिया, ये उसकी सोच है, उसके साथ एबाब के लोग हैं, इन्वायरमेंट माहौल, अगर वो किसी काबिल लोगों में बैठेगा तो काबिल ही बात करेगा, होप की बात करेगा, उम्मीद की बात करेगा। अभी बिल्कुल लॉकडाउन होने की वजह से कितने स्टाफ है हमारे, कहते हैं काश हमारी जॉब अच्छी होती, क्या पता सैलरी दें ना दें, मायूस बिल्कुल बैठे हुए हैं, वो जिंदगी छोड़ के बैठे हुए हैं, हारे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा आने वाले वक्त में, हमारा क्या बनेगा। तो इकबाल को पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं, आज ये अपने स्टूडेंट्स को ये बात शेयर कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात इकबाल के किसी शेर में मायूसी नहीं मिलेगी, इस्तराब मिलेगा आपको, हरकत मिलेगी, उम्मीद मिलेगी आपको, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिससे स्टूडेंट मायूस हो रहे हो, उनको मायूसी को भी फहम मिलेगा ही नहीं, होप ही होप है, अंधेरे को दूर करने वाला कलाम है, शायरी है। अब इस ये चीजें मैंने इसीलिए शेयर की स्टूडेंट्स के साथ कि वो, अब ये देखें ये आर्ट वर्क पर्सनली, ये बहुत ही जो इल्म यानी जो एम फिल रिसर्चर्स हैं, ये मैम अगर आर्ट वर्क आपको विजिबल हो रहा हो हाँ जी और बिल्कुल स्टूडेंट इट्स वेरी क्लियर अगर तुम तो इल्म हासिल करने के ख्वाहिशमंद हो, तो यकीन को यकीन का जो मरतबा है उसको थोड़ा कम करें और शक में गिरफ्तार हैं, जब किसी चीज का यकीन हो जाए तो वो इल्म की स्टेज पे आप पहुंच जाते हैं। तो इकबाल कहते हैं अगर आप किसी स्टेज पे पहुंच गए तो उससे आगे भी कुछ स्टेज होनी चाहिए, यानी आपका सफर, आपका समय रुकना नहीं चाहिए, ये समय चलते रहना चाहिए, यानी एक चीज पढ़ी उसके बाद आगे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो इस आर्ट वर्क के ऊपर देखे मैंने लाइब्रेरी को भी खुला करके ऊपर आसमान यानी उसकी वसत फैला दी इल्म की, यानी वो एक लाइब्रेरी तक भी महदूद नहीं है, इल्म की बहुत बड़ी वसत है। और आपको चाहिए कि आप हमेशा क्या नाम है, आप यकीन के मरतबे पे ना रहें, कि जब किसी चीज की यकीन हो जाए तो वहां पे इल्म आपका स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो इकबाल कहते हैं आप यकीन के स्टेज पे ना आए, आप असल में शक में गिरफ्तार हैं, ताकि आपका सफर जारी रहे, इल्म का जारी और सारी रहे, ये जारी रहना चाहिए, आगे भी पढ़ते रहना चाहिए, फिर और हर इल्म जो भी आप फील्ड लें उसमें बहुत इल्म है, बहुत ज्यादा रिसर्च है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन बदकिस्मती से स्टूडेंट ऐसा कर नहीं रहे। और जो भी आपके सेमेस्टर सिस्टम वाले स्टूडेंट हैं वो तो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं कि बस हमारा जीपीए आ जाए, और सीजीपीए के पीछे वो बेचारे भाग रहे हैं, 3.5 या 3.7 करने के पीछे भाग रहे हैं। मुझे इस बात का काफी याद देखता हूँ तो ये चीज। जी मैम अच्छा उस्मान आपने बहुत डिटेल में बताया और आई मस्ट से दीज आर वंडरफुल वर्क्स। अब मैं थोड़ा सा आपसे एज अ टीचर सवाल करना चाहूंगी कि आपने बात की रिसर्च कल्चर की, अकॉर्डिंग टू यू क्या फ्लॉज हैं हमारे कल्चर में, रिसर्च कल्चर में पर्टिकुलरली, जो कि ठीक किए जा सकते हैं? और एज अ टीचर, एज अ यंग टीचर,
आपको कभी ये लगा, बिकॉज आई नो इट्स रियली टफ फॉर मी ऑल दो आई रियली वॉन्ट टू, और ये बहुत से मेरे और जो है कोलीग्स ने भी मुझसे बात शेयर की, मोरालिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक तो इंस्टीट्यूट्स में इतना इंकरेज नहीं किया जाता टीच करने के लिए, और इवन इफ वन वी हैव द अपॉर्चुनिटी हमें यही कहा जाता है कि आप ये चीज अपने तक लिमिट रखें, और आप सिर्फ एक यू आर जस्ट हियर टू टीच द स्टूडेंट्स, आप एक एकेडेमिक हैं, आपका काम सिर्फ जो अपना कोर्स है वो टीच करना है, दैट्स द एंड ऑफ इट. सो एज अ टीचर डू यू फील कि मोरालिटी टीच करना एक मुश्किल काम है? मैम बिल बहुत मुश्किल बात है, मुझे बसा औकात स्टाफ भी छेड़ता है कि आप एक बालियात पढ़ाया करें, आईटी छोड़ दिया करें और आपकी जितनी एग्जीबिशन है, आपके स्टूडेंट्स के जितने काम है, वो सारे एक बाल के ऊपर होते हैं और आपकी रिसर्च के ऊपर होते हैं. मैम मैंने कोर्स बड़ी कोई बच्चों के इसरार पे स्टार्ट किया था डिजिटल का, डिजिटल आर्ट, उसके अंदर इश्फाक अहमद को मस्ट कोर्स का हिस्सा मैंने रख दिया, क्योंकि जाविया बुक का नाम था इश्फाक अहमद का जाविया. हां जी, जबरदस्त किताब. जाविया आपके सोचने का जाविया, आपके देखने का जाविया है. इसमें एक स्टोरी थी, शॉर्ट स्टोरी थी, उस स्टोरी को पढ़ने के बाद उस स्टोरी की थीम को मैंने बच्चों को सिखाया कैसे आपने इसको देखना है, आपने डिजिटल आर्ट में लेके आना स्टोरी को, आपने अपने आर्ट वर्क को इस स्टोरी के आपने अकॉर्डिंग बनाना है. तो बहुत कम स्टूडेंट हैं जो कि मॉरल एथिक्स वैल्यू सीखना चाहते हैं, तो बहुत ये बहुत मुश्किल है. जहां तक आपकी रिसर्च की बात रही है, बहुत मुश्किल. मैं खुद एमफिल अभी जब मैं इसमें कर रहा था तो मेरे ख्याल में डिजाइनिंग में पीएचडी मुझे नहीं मिला अभी तक कोई, मल्टीमीडिया आर्ट डिजाइन में पीएचडी मिलना, फिर ऐसा बंदा ढूंढना जो खुद पीएचडी, जिसकी इसके अंदर एक्सपर्टीज हो. जाहिर सी बात है मेरा सुपरवाइजर वो होगा जिसकी एक्सपर्टीज होगी, तो वो मुझे ये चीजें शेयर करेगा. तो फिर मैंने ये चीज, ये तो मैंने जब एम फिल में फर्स्ट डे एडमिशन लेना था तो मैंने टॉपिक अपना डिसाइड किया था कि मैं इकबाल के ऊपर रिसर्च करूंगा. सबसे मुश्किल बात कि लोग कहते थे कि कितना बेवकूफ आदमी है कि आईटी में इकबाल कैसे लेके आएगा, आईटी में इकबाल कहां से आ गया, आईटी का इकबाल के साथ दूर दूर तक रिलेशन नहीं. वो जब एचसीआई की बात मैं करता हूँ और एसआईजी की करता हूँ, ये इसलिए मैंने नाम लिया ताकि मेरी बात को ऑथेंटिक समझा जाए, ये ना समझा जाए कि उस्मान साहब की कोई अपनी सोच थी, अपनी राय थी, तो उन्होंने इस बात को मान ली. ऐसा नहीं था. तो प्रॉपर मैंने रिसर्च और प्रेजेंटेशंस दे दे के इस बात अपने सुपरवाइजर को एग्री किया कि ये कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है. okay. और मॉरल वैल्यूज, तो मॉरल वैल्यूज में आप इकबाल को भी लें, इश्फाक अहमद को भी लें, आप असल में हुसैनियत को लें. हुसैनियत के कार पे ऊपर भी मैंने बहुत ज्यादा काम किया. वो इसलिए किया क्योंकि हमारे अंदर एहसास नहीं है लोगों के अंदर, किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वो जा रहे हैं, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, वो उसका पर्सनल इशू है. Exactly. तो को भी की फिलॉसफी को भी बच्चों के सामने लाया नहीं गया. हम असल में 10 दिन सिर्फ याद होता है हमें, वही बचपन से मैम जो वाकयात थे बताए गए हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं हुसैनियत को हम अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करें. अशार इकबाल के पढ़े, लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किए. अब इस आर्ट वर्क के जरिए मैंने बच्चों को इकबाल का फारसी का शेर उर्दू इंग्लिश में भी हुआ वो समय ट्रांसलेट, और फोर्थ डायमेंशन मैंने उसको विजुलाइज भी किया. ये सारी चीजें उसके अंदर है, वो जो सारी थी वो कंप्लीट हुई. लेकिन पाकिस्तान में रिसर्च, ये बात सच है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आपके सुपरवाइजर को आता होगा वो वही आपको रिसर्च का टॉपिक देगा. एग्जैक्टली बिल्कुल, तो उसी के अंदर रहना है. तो मॉरल वैल्यूज बहुत मुश्किल है हमारे आजकल के दौर में. जितने भी इंस्टीट्यूशन है, कोर्स आउटलाइन पहले बनी हुई है, इतने आपके टेस्ट होने चाहिए, इतने मार्क्स होने चाहिए, कोई अच्छी बात इखलाक की याद पढ़ाने का बड़ा मुश्किल टाइम मिलता है. तो मुझे ऐसे में डिजाइनिंग का ही मेरा है ऐसे में सब्जेक्ट, जो डिप्लोमा एसोसिएट के जो स्टूडेंट है फाइनल ईयर का, इनका ऐसे में प्रोजेक्ट होता है. तो प्रोजेक्ट में जो मैंने एमफिल के जितने मेरे मैंने एक्सपर्टीज सीखी वो मैंने स्टूडेंट में डिलीवर की, यानी वो बीएस में जाने से पहले ही उनके पास ऐसी एक्सपर्टीज हैं जो कि वो मुझसे ले चुके हुए हैं. हाँ, फिर मैंने सारी चीजें, हाँ, और उनका असल में टाइटल बनाना कि किस तरह से आपने बनाना है टाइटल, नेम क्या होना चाहिए, फिर उनके ऐसे में प्रेजेंटेशन स्किल्स, फिर उनकी ड्रेसिंग कैसे, अगर अगर आपकी ज्यूरी आ रही है कैसे बात करनी, कैसे आपने डिफेंस करना है अपने आइडियाज. ये सारी चीजें जो है मैंने इकबाल एक्सप्लोर की, जो फर्स्ट थीम थी, मुझे शुगर वो स्टूडेंट्स मेरे उस वक्त से साथ चल रहे हैं, अभी भी हैं साथ, पहली थीम थी एक्सप्लोर की. तो मैंने कहा बेटा अगर कोई बच्चा सवाल कर ले कि मुझे कैसे पता चले मैंने एक्सप्लोर किया खुद को, कैसे करना है, तो इकबाल वो वाइड सोर्स है. तो किसी सूफी बुजुर्ग की कोट है कि इंसान की दो बार
पैदाइश होती है, एक तो जब वो क्या नाम है दुनिया में आता है, हकीकत में वो पैदा तब होता है जब वो अपने आने का मकसद पाता है कि वो आया क्यों। True, मकसद agree. जो पाना है यही सबसे बड़ी एक्सप्लोर की एग्जीबिशन का मकसद था कि हमारी एग्जीबिशन में आए और वो ये चीज सीख के जाए कि वो क्या नाम है दुनिया में आया क्यों है यार, क्यों इतनी अजियतें की, इतनी मुश्किलात ली, पढ़ा, पहले वो लगता है, फिर आपके रिश्ते भी हैं उनको भी निभाना है, ये क्या है, ये सब है क्यों। तो इकबाल की फिलॉसफी पे आगे नेक्स्ट में हम जब ऐसे में सेशन होंगे तो मैं बहुत डिटेल इकबाल के कलाम को फिर इसमें नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे, अभी तो मैं इसमें जनरल बातें कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को समझ भी आ जाए और उनको डिजिटल आर्ट की टर्म भी जो है वो उनको समझ आए। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा उस्मान, आपने बात की रिसर्च कल्चर की, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसे है जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि रिसर्च कल्चर का मतलब बिल्कुल यही है कि आपने जो है उनको MLA की एक बुकलेट दे दी, उन्होंने आपने कहा ये सर्टन फॉर्मेट है जो आपने फॉलो करना है और ये आपका रिसर्च टॉपिक और आपने थीसिस बना के हमें सबमिट करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाट टीचर्स फेल टू रियलाइज इज दैट ये पूरा एक प्रोसेस है और इसमें बहुत ज्यादा लर्निंग है जो कि टीचर बहुत हद तक फॉरसेक कर देते हैं ये समझे बगैर कि स्टूडेंट्स ये कैसे करेंगे, बिकॉज रिसर्च करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपने 50,000 की वर्ड लिमिट कंप्लीट करनी है, बट इट्स समथिंग मोर देन दैट और हमारे टीचर्स बहुत हद तक इस चीज को फॉरसेक करते हैं। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू इन दिस रिगार्ड। और क्वेश्चन थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है लेकिन चूंकि हम इस टॉपिक पे डिस्कस करें सो आई रियली वॉन्ट टू पुट इट फॉरवर्ड, जब हम बात करते हैं मोरालिटी की और टीचिंग मोरालिटी इन क्लासरूम, तो बहुत से लोग जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली रिलीजन और मोरालिटी ये दो चीजें हैं इनको आपस में इंटरट्वाइन कर देते हैं जहाँ पे बेसिकली जो प्रॉब्लम आता है, बिकॉज अगर हम अपने स्टूडेंट्स को मोरालिटी टीच कर रहे हैं तो दे वुड बी लाइक अच्छा आप रिलीजियस बातें कर रहे हैं क्लास में, दैट वुड बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि दिस इज हैपनिंग इन ऑल ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, बट मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स वेयर आई हैव वर्क्ड दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम। मैं बात मोरालिटी की करती थी एंड दे थॉट दैट दिस वाज समथिंग रिलीजियस। सो इस चीज को किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं कि वी कैन जस्टिफाई दैट मोरालिटी डेफिनेटली एसोसिएटेड विद रिलीजन बट इट्स नॉट ऑल टुगेदर रिलीजन। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं नॉन मुस्लिम इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं। ओके नॉन मुस्लिम। और मैं जो असल में क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स हैं और मेरे पास 70% जो है स्टूडेंट वो सारे जो है वो असल में क्रिश्चियंस भी हैं और मुस्लिम भी हैं। ओके Right. तो मेरी प्रिंसिपल साहब के साथ भी डिस्कशन, मैंने आपको कहा हमेशा आपकी शख्सियत बहुत अच्छी होनी चाहिए पहली बात। अगर आप प्रिंसिपल साहब के साथ भी डिस्कशन, जब मैंने पहली एग्जीबिशन की इकबाल पे वो इतनी इंटरेक्टिव और मैं पिक्चर मियां सामने शेयर की होंगी, अभी हाल ही में 7 मार्च को एग्जीबिशन हुई इकबालियात पे, तो प्रिंसिपल साहब वो देखें आप वो मुसलमान तो नहीं, मुस्लिम उन्होंने इकबाल को अप्रिशिएट किया और मेरे आर्ट वर्क को वहां पे ऐसे में लगाया भी गया। प्रिंसिपल साहब ने अपने ऑफिस, अब मैम ये बात है कि हमारे पास नॉलेज शेयर करने का सबसे बड़ा क्या है कि हमारा ये होता है कि हमने एक बंदे को ये मनवाना है कि मेरे पास नॉलेज है, हम जब आपस में बातचीत हमारी हो रही होती है हमने क्या नाम हम अपनी जो सेल्फ कह लें उसको ये हम लोगों ने यकीन हमने ऐसे में दिलाना होता है कि मैं ही सही हूँ, मेरी बात जो है वो ठीक है। तो मेरे पास इस्लामियात का सब्जेक्ट था, उसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम बच्चे दोनों बैठे हैं और मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि इस्लाम फुल सुपीरियर है उसको ले। मैंने वहां इखलाकियात पढ़ाई, अदब पढ़ाया, आपको रूल्स आने चाहिए, ठीक है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम के रूल्स पढ़ाए, ठीक है, फीमेल्स के साथ अदब इखलाक ये सारी चीजें पढ़ाई, तो इकबाल की फिलोसफी भी पढ़ाई। तो मैम मैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कहता हूँ कि आपके पास रिसर्च होना, नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट तब आपकी इज्जत करता है जब आपके पास नॉलेज हो उनके सवालों के, अब ऐसे में जवाब हो, ठीक है ना। अब वो तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम दूसरी बात, आप रिलीजियस की बात जो आपने की कि जब भी हम मॉरल वैल्यूज की बात करें तो रिलीजियस के अंदर बाउंड है क्योंकि रिलीजियस हमें बताता है कि आप यहाँ पे ठीक है यहाँ पे ठीक नहीं है, लेकिन आप अच्छी बात करें आप किसी आप उसको रिलीजियस से मत लेके जाएं। अब यही जो आर्ट वर्क देखें आप कहीं से देखें, मैंने उसके अंदर कुछ इस तरह का ड्रॉ सारी चीजों को विजुलाइज किया है कि कोई नॉन मुस्लिम भी स्टूडेंट अगर उसको देखें तो उनको होप मिले, मोटिवेशन मिले। मैंने इस चीज को नहीं हाईलाइट किया कि सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट, क्योंकि इकबाल का पैगाम सिर्फ ये तो नहीं था कि उसे शाहीन का आया उन्होंने,
पाकिस्तान में सारे जो नॉन मुस्लिम है वो भी इकबाल के शाहीन है, जो स्टूडेंट है हमारे पास आ रहे हैं सारे हैं exactly. और मैम मेरी इकबाल की एग्जीबिशन में नॉन मुस्लिम स्टूडेंट भी हैं बिल्कुल, और मैंने ऐसे में चैनल में भी ये काम किया सारा। तो बड़ी अच्छी बात बात तब अच्छी होती जब आप भी अच्छी बात करें, कोई ऐसी बात ही ना करें जिससे किसी दूसरे इंसान की दिल आजारी हो। तो मॉरल वैल्यूज में आते वक्त ये कि मैं कहता हूँ स्पेशली उन उस्तादा को कि नॉलेज नॉलेज, जब आपका अपने सब्जेक्ट पे नॉलेज होगा स्टूडेंट आपसे सवाल करेगा आप उसको प्रॉपर आंसर दें, जब प्रॉपर आंसर होगा मैं मान ही नहीं सकता कि स्टूडेंट आपकी इज्जत ना करें, ये हो नहीं सकता। वो उसी वक्त रिस्पेक्ट करता है जब नॉलेज हो, और पढ़ाएं तो स्टूडेंट की मैम एक कह लें आप उसकी सोच पे आए, उसको बार बार ये फील ना आप असमें करवाएं कि तुम्हें कुछ नहीं आता। अब मेरी मैं असल में टीचर हूं, मैंने कभी बच्चे को सजा ही नहीं दी okay. कभी मैम के पास नहीं ले गया, हेड के पास नहीं ले, कभी वालदैन को फोन नहीं किया। तो एक बच्चे दोस्त एक सारे हैं वो वालदैन को बुलाते थे, तो मैंने एक स्टूडेंट की डिस्कशन सुनी, वो कहते हैं यार सर उस्मान है वो वालदैन को 4-5 साल हो गया पढ़ाते हैं, वो कभी वालदैन को। मैंने कहा बेटा जब दिन उस्तादा से मैं पढ़ाऊं, उन्होंने कहा बेटा जब आपने वालदैन को बुला लिया तो आप फेल हो गए हो, क्योंकि वालदैन ने तो बेटा ऑलरेडी आपके पास भेजा है। True, अगर आप पास भेज के भी उन्होंने चक्कर लगाने हैं और उन्होंने आना है तो फिर आप किस चीज के उस्ताद है। आई विश ये मैसेज सब टीचर्स को जो है वो पहुंचाया जा सके कि मतलब इफ यू आर इनकल्केटिंग एंड इन्वॉल्विंग द पेरेंट्स देन इट इज द डेथ और इट इज द वेरी एक्सट्रीम ऑफ योर फेलियर। आई एग्री विद यू उस्मान, टोटली एग्री विद यू। ओके आई एम गोइंग टू ओपन द फोरम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, सो तमाम वो लोग जो कि उस्मान से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं रिगार्डिंग डिजिटल आर्ट्स और एनीथिंग एल्स, यू आर ओपन टू आस्क क्वेश्चंस एंड वी विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑब्वियसली। ओके उस्मान, आप जो है वो डिजिटल आर्ट्स का क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान में? मैम पाकिस्तान में डिजिटल आर्ट का फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एनसीए से मुझे बहुत होप है, उम्मीद है एनसीए से स्पेशली जो इंस्टीट्यूशन है मल्टीमीडिया आर्ट के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, अब ये ट्रेडिशनल आर्ट से डिजिटल आर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। पहली बात तो आम जो पहले जो हमारे आर्टिस्ट थे उन्होंने डिजिटल आर्ट को एक्सेप्ट नहीं था किया कि ये आर्ट नहीं है, आर्ट वही है जो आप है हाथों से पेंटिंग पेंट के साथ जो आप करते हैं। तो शुरू में मुझे बहुत ज्यादा इस चीज का क्या कह लें आप सुनने को मिला कि ये आर्ट नहीं है, हम नहीं मानते। तो अब वक्त के साथ साथ ये चीजें हो रही हैं, उसके बाद मैम आपका डिजिटल मीडिया आ चुका है, आने वाला टाइम जो है वो इसी के ऊपर आपका शिफ्ट हो रहा है, VFX आ चुके हैं, SFX आ चुके हैं। और मैम आने वाले टाइम में सबसे पहली बात मैम स्टूडेंट के अंदर स्किल होना चाहिए, पहली बात। हमारे स्टूडेंट कहते हैं हमें जॉब में, मैं पूछता हूँ उनके अंदर स्किल है, अगर MS तो उनको आता क्या है? जब फाइनल प्रेजेंटेशन होती है मैं स्टूडेंट को कहता हूँ बेटा आपके अंदर स्किल होने चाहिए। हमारे यहाँ स्टूडेंट ने क्या नाम CGPA करना होता है 3.4, लेकिन वो स्किल्स नहीं आते होते। जब वो सॉफ्टवेयर उसमें वो जाते हैं वो आपका CGPA के साथ वो कहते हैं आप अपने स्किल्स दिखाएं, आप हमें डेवलपमेंट दिखाएं, आप हमें डिजाइनिंग दिखाएं, तो वहां पे इनके स्किल्स नहीं होते। फ्यूचर इनका तब होगा जब इनके अंदर ये स्किल्स होंगे, वो अपने काम से दूसरे को इंस्पायर करें कि हाँ वाकई हम कुछ हैं। जब काम के अंदर जान होगी वो आप आर्टवर्क बात करेगा तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज आएगी कि इस पर्सनैलिटी में इस बंदे में स्किल्स हैं। फ्यूचर है मैम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में डिजिटल आर्ट की डिग्री स्टार्ट हो जाएगी, चाइना के अंदर इसकी एग्जीबिशन होती है हर साल, और इंडिया में भी मेरे ख्याल में जनवरी के स्टार्ट में इंडिया हर साल जनवरी के स्टार्ट में डिजिटल आर्ट की एग्जीबिशन करता है। कभी मैंने सोचा था तो मियां साहब से मैंने समय डिस्कस किया एक बात साहब, तो उन्होंने कहा कि जब अभी तो हालात बहुत ऐसे में खराब हो गए थे जनवरी में मुसलमानों के साथ वैसे असल में तादाद है, तो हम जा वैसे हमारा था कि मैं इकबाल पे लेके जाऊं अपना काम और वहां पे जाके डिस्प्ले करूं। शमिया साहब की बात हो रही तो मियां साहब का एक कमेंट आया है और मैं लाइव शेयर करना चाहूंगी। ही सेड गुड गोइंग अरीबन उस्मान, सो दिस वाज द कमेंट शेयर्ड बाय इकबाल सलाउद्दीन साहब, थैंक यू सो मच सर, वी आर रियली हैप्पी फॉर द कमेंट। अच्छा हमारे पास एक क्वेश्चन आया है और वो है मोहम्मद अली ने ये क्वेश्चन किया है, इज मोरालिटी सेम एज एथिक्स, ये सवाल वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। देखिए मैम मोरालिटी और एथिक्स जो दोनों चीजें अगर आप मिला भी लेना, सबसे पहली बात तो ये चीज है कि सोर्स ऑफ आपका समय लर्निंग क्या है स्टूडेंट्स का। यहाँ पे मैं एक चीज कहता हूँ मॉरल एथिक्स वैल्यू, जैसे
आप असल में सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो सोशल मीडिया पे मोस्टली फेक भी चीजें होती हैं, नॉलेज वेरीफाइड नहीं होता, आपका नॉलेज वेरीफाई किसी ने किया होता, पोस्ट है वो आगे शेयर आपकी हो जाती है। मैं एक चीज कहता हूँ, मॉरल एथिक्स वैल्यूज के ऊपर ही हमने इतनी एग्जीबिशन की, इतनी एग्जीबिशन की। मैं कहता हूँ कि कंबाइन सेशन दोनों के हो सकते हैं कंबाइन, लेकिन अगर आप इशफाक अहमद को लें, इकबाल को लें, आप इनको पढ़े तो दोनों चीजों में ये आपको ऑपोजिट नहीं आएंगी नजर, सेम प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगी। लेकिन ये बात है कि मैं पहली बात स्टूडेंट को कहता हूँ उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो समय डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं, वो डाइजेस्ट जो पढ़ रहे हैं, या जो उनके पास ऐसे में नॉवल है वो क्या दे रहे हैं एंड में, उनको लेसन क्या दे रहे हैं, ह्यूमैनिटी क्या है उसमें, आपके ऐसे में सेक्रीफाइस जो है वो करना आपको सिखा रहे हैं, शेयर करना सिखा रहे हैं। अब जैसे शेयर करना, लोग हैं आजकल के आपको पता है शेयर करने की हम लोगों में आदत नहीं है, जब भी मुश्किल वक्त है। तो मैं एक इशफाक अहमद का एक आर्टिकल पढ़ा था, उन्होंने कहा कि शेयर करना बचपन से ही नहीं आपको सिखाया जाता, स्कूल में होते हैं तो आपकी टीचर भी कहती है कि हर चीज अपनी अपनी हो, पेंसिल अपनी हो, रेजर अपना हो, खबरदार किसी के साथ शेयर नहीं करना, यानी शेयरिंग एक कॉन्सेप्ट था। मुश्किल हालात आते हैं जब भी है तो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। अब मैं ये कहता हूँ हमारे स्टूडेंट्स के पास मॉरल एथिक्स के लिए सोर्स क्या है, क्या उन्होंने ऐसे में रूमी को पढ़ा है, इकबाल को पढ़ा है, तो ये चीजें। सबसे पहली बात, इनके पास सोर्स अच्छा होना चाहिए जहां से ये नॉलेज ले रहे हैं। मॉरल एथिक्स जो है वो दोनों इन चीजों के ऊपर, इनके पास ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आप ये दोनों चीजें कहाँ से गेन कर रहे हैं। मैं अगेन एंड अगेन स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वो अपने सोर्स के ऊपर जाएं, और स्पेशली इकबाल को वो मैंने बार हर बार इसलिए बताया कि आपको होप मिलेगी। इकबाल को पढ़ने के अपना ये नहीं कह, ये नहीं सोच सकता कोई स्टूडेंट यार मेरे में ये काबिलियत है ही नहीं, ये काम मेरे से हो नहीं सकता। बिल्कुल, तो ये चीजें जो है मैं मोहम्मद अली साहब को स्पेशली ये एड्रेस करके कह रहा हूँ कि वो इन चीजों को अपना सोर्स जो है स्पेशली, और जो जो मैं जो मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ था उसके अंदर इशफाक अहमद, रूमी और इकबाल ये कोर्स में मस्त है मैम, पढ़ाए जाते हैं और इन्हीं के ऊपर हार्ड वर्क और टूल्स मैं सिखाता हूँ ताकि इन स्टूडेंट्स के अंदर मॉरल और एथिक्स दोनों ही चीजें बिल्ड हो सकें। जबरदस्त। अच्छा उस्मान, आपने कोर्स की बात की है तो मैं जानना चाहूंगी कि कोई ऑनलाइन कोर्सेज हैं अभी जो आप लॉकडाउन के ड्यूरिंग जो है आप ऑफर कर रहे हैं, इज देयर एनी ऑनलाइन कोर्स दैट वी कैन यू नो लॉग इनटू और वी कैन रजिस्टर आवरसेल्फ्स फॉर दैट? यस मैम, अभी मैंने आउटलाइन की, मैंने इस आउटलाइन को दोबारा से डिजाइन किया है, आउटलाइन के अंदर चेंजिंग और सारी चीजें, क्योंकि मैम जब डिजिटल आर्ट कोर्स होना है हमने इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा ये होता है कि वो स्टूडेंट उस पीक लेवल पे आए जो मैं उसको सिखाना चाह रहा हूँ। फिर मैम इसकी असाइनमेंट बहुत बहुत ऐसे में इंटरेस्टिंग होती हैं, आपकी रियल टाइम एग्जांपल्स होती हैं इसकी, हो सकता है मैं हम लोगों ने स्टेशन जाके भी इसकी एग्जांपल की, कुछ लोग आए हैं मुसाफिर हैं उनके फेस एक्सप्रेशन करने हैं हमने रीड, कोई ज्ञान हमें मंजिल तक पहुंचा है नहीं, ठीक है हमारी यानी जो इसकी जो पहले सेशन बैच ही मैंने एक ही अभी लिया था उसमें मैंने रियल टाइम एग्जांपल्स ली, यानी फील्ड में जाके बच्चों को पढ़ाया, क्लासरूम तक मैं दूर नहीं रहा, फील्ड में जाके पढ़ाया। फिर मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, तो अभी मैं ऑनलाइन प्लान कर रहा हूँ तो सारी चीजें बुक्स और ये सारा मटीरियल कोर्स मटीरियल मैंने बना रहा हूँ, विद इन वीक इनशाला ये फाइनलाइज आफ्टर ईद के बाद इनशाला ये ऑनलाइन जो है ना लॉन्च होगा। लेकिन इसमें रूमी, इशफाक अहमद, इकबाल जो है ये मस्ट है क्योंकि मॉरल एथिक्स के इस कोर्स के अंदर है हमने पढ़ाना है, तो ये चीजें मस्ट होंगी इसके अंदर। Okay, great. So all of you जो के चाहते हैं कि उस्मान के साथ they indulge in a healthy activity, so they can definitely log in on our page और वो definitely देख सकते हैं if there is a course that's being offered. Usman, I'm going to ask one last question and that is for all the teachers who are listening to us today. कि एक ऐसा क्या पॉइंट है जहाँ से जो है मोरालिटी जो है वो टीच करना हमें स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब वो ऐसा कौन सा टूल है जहाँ से हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं? डू वी नीड टू स्टार्ट डायरेक्टली लाइक गोइंग इन द क्लास एंड टीचिंग द मोरालिटी, और देयर इज सम अदर सटल वे, कोई और तरीका है जिससे हम इनडायरेक्टली जो है ये इनकलकेट कर सकते? मैम एक तो एग्जाम्पल है, मैं सोच रहा हूँ शेयर ना करूँ लेकिन मैं उसको शेयर करूंगा। पहली बात बताऊं, हम पढ़ाते वक्त बच्चों की उसादा को बच्चे की मेंटल अप्रोच पे आना चाहिए, वो बच्चे की सोच पे आके उसको पढ़ाएं।
सबसे पहले अगर एक बच्चे से सपोज असाइनमेंट हुई नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, जो बच्चे काम कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उन्होंने मेरी असाइनमेंट बनाई नहीं होती, तो मैं लैब से बाहर फिर स्कूल यानी लाजमी नहीं कि लैब में हूँ तो वहां पढ़ाना है, किसी अच्छे एनवायरनमेंट में किसी और अच्छी जगह पे उनको बिठाया और उनके साथ डिस्कशन। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ बच्चों के, एक दफा हम लोग ऐसे में टेस्ट ले रहे ग्रैंड एग्जाम से एक महीना पहले की बात ही, कोई टेस्ट हो रहे तो बच्चों ने, बच्चे आते भी नहीं थे ना वो उसको ऐसे में सीरियस ले रहे, आना पेज उठाना खाली पेज नाम लिखा और दे दिया। मैंने देखा यार ये कर रहे, मैंने कहा अच्छा बेटा बुक खोलने की ना आप, आपको इजाजत है आप खोल लें देखें या किसी से पूछ के लिख लें। एक असल में टीचर थी, उन्होंने बड़ा इख्तलाफ किया इस बात पे, उन्होंने कहा यार ये अच्छे उस्ताद नहीं है, ऐसे उस्तादों की वजह से तो माशरा खराब है। तो मैं बैठा मैम के साथ, मैंने कहा मैम आप, आपका जो ऐसे में सब्जेक्ट है आप बताएं क्या उसमें बच्चों ने दिया, तो उनके पेज ऐसे में ब्लैंक थे। मैंने कहा मैंने मारा, मैंने उनको परमिशन दी, वो जिस बच्चे ने खाली वो हाथ उठ के ऐसे में चले जाना था उसने पेपर लिखा, उसमें 40% कुछ तो उसको याद रहा होगा, यानी मैंने सोचा कि वो मेरे पास आए और खाली हाथ ना जाए, वो उस्ताद ही नहीं कि जिसके पास कोई स्टूडेंट आए और कुछ लिए बगैर ही चला जाए, वो कुछ ना बिल्कुल, कुछ बहुत ना जबरदस्त, किसी फॉर्म में उसको दे के जाए, ये मत सोचे कि नहीं कभी ना कभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ आएगी। बिल्कुल। और ये बड़ा पैथेटिक तरीका है, आई टोटली अग्री विद यू उस्मान, के मतलब आपने इवैल्यूएट बड़े स्ट्रिक्ट बेसिस पे करना है। बेसिक पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज टू लेट द स्टूडेंट्स लर्न समथिंग बाय द एंड ऑफ द डे। असेसमेंट का बेसिक क्राइटेरिया यही है कि वो कुछ सीखे एट द एंड ऑफ द डे। इट्स नॉट नेसेसरली इंपॉर्टेंट दैट दे हैव टू लाइक क्रैमर एंड जस्ट पुट इट ऑन द पेपर। मैम यहाँ एक बात याद आई, एक बात मैं करना चाहता हूँ, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट की। देखें मुख्तलिफ उसाजा कहते हैं ये बच्चा अच्छा नहीं है लाइक नहीं है, बिल्कुल। मैंने कहा इंस्टीट्यूट और उस्ताद वो होता है जो बच्चा लाइक हो उसको तो हर कोई पढ़ा देगा, उसके नंबर भी आ जाएंगे। टोटली टोटली टोटली। कोई स्टूडेंट के पास एबिलिटी नहीं है लेकिन आपके साथ रह के उसमें वो स्किल्स वो एबिलिटी बिल्ड हो जाए, असल में उस्ताद के लाने का हकदार भी वही है जिसमें क्रेज ला दे, होप ला दे, बिल्कुल मकसद दे बच्चे, स्टूडेंट को मकसद दे, होप दे, बिल्कुल टोटली एग्री। जी मैम, ये सारी चीजें मैंने इकबाल से ड्राइव की हैं, इकबाल की स्टडी से सीखा है, ये सारी चीजें ली हैं और आज एक मैं होपफुल उस्ताद हूँ। और मैं आपको बताऊँ 100% मेरा से मेरे रिजल्ट आया, 100% रिजल्ट, नलायक से नलायक बच्चा भी फेल नहीं होता। रमजान हो आखिर में हो पेपर से दिन पहले बच्चे आ जाते हैं घर पे भी, टाइम जहां दिया टाइम मैंने उनको पढ़ाया है, रिसोर्स दिया है कि यार वो मेरे पास आए तो कामयाब, कुछ ना कुछ मैं उनको दूं, उनको शेयर करूं। असल में उसाजा ये सोचें कि ये बहुत बड़ा शोभा है उनके पास, पेशा है, एक बच्चे का मुस्तकबिल उनके हाथ में है, वो उसको तरबियत दें। और मैं वो वाहिद उस्ताद हूँ जो डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर को मुस्तकबिल का भी बताता हूँ, बेटा कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में यहाँ जा सकते हो, उनके साथ जाके एडमिशन में भी मैं जाता हूँ, उनके साथ एडमिशन लेने में भी और साथ जाता हूँ और यूनिवर्सिटीज की सारी डिटेल देता हूँ। अच्छा, एडमिशन से बात हो रही है उस्मान, तो एक हमारे पास क्वेश्चन है मोमिना फजल का, एंड शी इज सेइंग कि व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लोरेशन हाउ कैन वी एक्सप्लोर आवर स्किल्स और आवर पैशन एंड हाउ टू चूज द फील्ड बिकॉज वी मोस्टली फॉलो द करियर और स्टडीज व्हिच आर प्लान्ड फॉर अस। तो हमारे लिए तो ऑलरेडी प्लान किया जाता है कि ये बच्चा डॉक्टर बनेगा और ये इंजीनियर बनेगा और ये आर्टिस्ट बनेगा व्हाटसोएवर एंड सो ऑन। सो ये किस तरह से जो है हम इस प्रोसेस से गुजर सकते हैं, किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए मुझे ये रियलाइज हो गया कि मैं एक आर्टिस्ट मल्टीमीडिया आर्ट में मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं इन बच्चों को कहना चाहता हूँ क्या इनको अपने स्किल्स भी शो करने चाहिए और फिर पेरेंट्स के साथ एक अच्छे एनवायरमेंट में इनको डिस्कशन करनी चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, आप उसको डिस्कस करें, आप ऐसे में हेल्दी इन्वायरमेंट में आप उसको डिस्कस करें पेरेंट्स के साथ। दूसरी बात, जो आपका पैशन है वो आप पैशन शो तो हो वालदैन को, आप बताएं अपना काम दिखाएं कुछ, आप अपनी रिसर्च बताएं, आप अपने आप इंटरेस्ट शो करें कि ये इंटरेस्ट है। लाइक जब मैं एनसीए गया तो मैंने इंटरेस्ट अपना शो किया, फिर मैंने पढ़ा वहां से एमसीएस, फिर आगे लाहौर में मेरी 7 साल की स्टडी रही है आगे सारी, वहां पे रिसर्च की, बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज किए। अब पेरेंट्स को मैंने फिर असल में रिजल्ट भी दिया। True. जब
आप पहले आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपका करेक्टर में हमेशा कह रहा हूँ, अगर पेरेंट्स को इन्होंने मनवाना है, कन्विंस करना है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में डिस्कस करें पहली बात, फिर कोई इंस्टीट्यूशन ये देखेंगे जहाँ ये पैशन है इनका। मैं बताता हूँ एक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मजमून है, एक आपका सब सब्जेक्ट है, वो उस्ताद पढ़ाता नहीं अच्छा, तो वो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं बिल्कुल लगेगा, महसूस नहीं लगे, नहीं लगता, आप बिल्कुल कहते हैं आई सब्जेक्ट ही मुश्किल है। यार वो सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता, उसको समझाने एग्जैक्टली वाले पर्सन में फॉल्ट है कि वो उसको समझा नहीं पाया, सब्जेक्ट उधर ही एग्जैक्टली जगह पे, उसी जगह पे ही है। इसी तरह इनको पहले अपने आप को समझाना ये पड़ेगा कि मैंने किस प्रोफेशन में जाना है, और मैंने अगर इस प्रोफेशन में आके आगे मेरी फील्ड क्या है। कुछ बिल्कुल। स्टूडेंट चाहते अच्छा हैं हम उस्मान, नहीं उन बच्चों समझाना को, चाहिए। जी उस्मान जी उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी बात आपने कही वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी पॉसिबिलिटी है, बल्कि एक रियलिटी है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता औलाद को डिस्कस करने के लिए व्हाट दे एक्चुअली वांट इन लाइफ, और या उनके क्या पैशंस हैं, क्या करियर, और व्हाट दे वांट टू परस्यू इन लाइफ। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट वुड यू रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स, व्हाट यू रिकमेंड टू द यूथ, कि ऐसी सिचुएशन में जब आपके पेरेंट्स ने बिल्कुल कसम खा ली कि दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू और व्हाट एवर योर पैशन एंड इंस्पिरेशन आर, तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट शुड दे डू, शुड दे फॉलो देयर पैशन और शुड दे गो विद द फ्लो? मैं पर्सनल थोड़ा शेयर करूं, कि मैं कोई बहुत हाँ प्लीज गो ऑन। इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं हूँ, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं हूँ, और मेरे वालदैन को इस बात पे डाउट था। मैं आज आपको हकीकत बताऊं, मैट्रिक में मेरे वाले साहब को बुलाया, साहब ने कहा कि बच्चा आपका आगे स्टडी में जा नहीं सकता, आप इसको छुड़वा दें तालीम। आज मैं वही हूँ जिसने ये सारी रिसर्च की। तो जब मैं बिल्कुल फर्स्ट ईयर एकदम में गया, मुझे वो वैसे उस्ताद मिले जिन्होंने क्या नाम है डायग्नोस किया प्रॉब्लम, यार इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है। इनको जिन बच्चों को नहीं मिल रहा, उनको चाहिए अपने उसातजा के थ्रू अपने वालदेन के साथ बात करवाएं, जिनका एक लेवल मुकाम हो, जिनको वो थोड़ा मानते हो, अपने उसातजा के साथ भी एग्जैक्टली बात करें। फिर दूसरी बिल्कुल बात मैम ये चीज थी, जब मैंने एमफिल में एडमिशन लिया, मैं अगर आपको बताऊं मेरी पॉकेट में 1,000 रुपया था, 500 की प्रोस्पेक्टस थी, मुझे नहीं पता कहाँ से दाखिला फीस आएगी। मोटर ओके बाइक में मैं लाहौर आया और मैंने फॉर्म फिल किया एडमिशन का, पैशनेट था, पैशन होना चाहिए, फिर आपको लड़ना भी पड़ेगा। मैंने वही आर्टवर्क में शेयर किया, स्टूडेंट चाहता है कि इस तरह भी ना आए, कोई हरकत ना हो, कोई अपोजिट फोर्स, ये अपोजिट फोर्स आ रही है तो इसका मतलब कि ये अच्छी बात है, अपोजिट फोर्स आई है, वो मान नहीं रही। बहुत सारे आपको सोल्यूशन मिलेंगे। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपके उसातज़ा हैं आप उनसे बात करें, जो ओके वाले हैं जिनको मानते, फिर आप अपने उसातज़ा के साथ आपस में डिस्कस करें अपना आइडिया, अपना प्लान, कि क्या आगे आपकी अप्रोच है, क्या आप आगे पढ़ना चाह रहे हैं, फिर आप उसाज़ा के थ्रू अपने वालदैन के साथ आप बात करें, क्योंकि वालदैन हमेशा उसाज़ा का अदब एहतराम, इतना तो वो ऐसे में रिगार्ड होता बिल्कुल है कि वो मान दें कि ये उस्ताद है तो हमारे बच्चे के मुस्तकबिल में अच्छा ही बताएगा, कुछ अच्छा ही वो बच्चे के लिए सोचेंगे। वालदैन भी बुरे नहीं होते, वो भी अपने बच्चे का जो मुस्तकबिल है उसको सिक्योर चाहते हैं, वो यही चाहते बिल्कुल हैं कोई जॉब अच्छी, कोई ऐसी तालीम या ऐसी ऐसे में डिग्री ले तो जो जिससे जॉब मिल जाए, इसको जॉब ये में बॉय आसानी इन द हो। जॉब बिल्कुल तो एग्जैक्टली इसमें बेस्ट वो प्लेस है जो वालदैन के करीब कह लें इंस्पायरेशन वाले सोर्स पर्सन है, उसातजा हो गए, कोई कुछ भी ऐसे पर्सन जो वालदैन के क्लोज हैं उनसे बात करें। अगर हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं बन पा रहा, चलें खुद से बात नहीं बन पा रही, तो जिनके वो करीब हैं उनसे बात करके देखा जाए, और फिर अपनी स्किल्स भी शो की जाए। मैं हमेशा कहता हूँ अपने आर पर अपना काम शो करें और बताएं कि वाकई इसमें फ्यूचर है, जैसे जिस वक्त उनका मूड अच्छा हो उस वक्त भी बात कर ली जाए, लाजमी नहीं कि जी आज बात की है तो अभी आप माने, वो मान एग्जैक्टली के उठें। हाँ जी ओके सो इस पॉइंट के साथ मैं थिंक आई थिंक कि मतलब इस चीज को यहाँ पे क्लोज करना चाहिए। जो तमाम स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है उस्मान की तरफ से, जो कि अभी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिलीवर किया, कि यू हैव टू फॉलो योर पैशन, यू हैव टू फॉलो योर ड्रीम्स, एंड यू हैव टू लाइक एडजस्ट इट इन द सोसाइटी इन सच अ वे दैट इट्स एक्सेप्टेबल। आपने किसी को नाराज नहीं करना, आपने किसी पे फोर्स नहीं करना, यू हैव टू फॉलो पैटर्न्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सप्लोर। आई थिंक इस पूरे सेशन से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज हमें बिल्कुल सीखने को मिली है वो एक्सप्लोरेशन है, टू एक्सप्लोर योर डायमेंशन, टू एक्सप्लोर योर सेल्फ एज अ पर्सन एज वेल, वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ एक्चुअली। सो
So thank you so much, Usman, for joining us today. This was a very, very constructive discussion with you, and I hope ke aane wale sessions mein hum dobara se aapko online le sake, because this was really, really helpful for the teachers, for the students, and for the viewers of Tabistan. Thank you so much, Usman. Okay, thank you, ma'am. Bahut shukriya, bahut shukriya. Ma'am, main yahan ek choti si announcement kar dun. Hamesha se aise mein Tabistan ne mujhe bahut support kiya hai. और आज अनाउंसमेंट कर दूं कि जितना इकबाल का नॉलेज मैंने अभी लिया है वो सारा दबिस्तान के प्लेटफॉर्म से है. ओके, दैट्स ग्रेट. दबिस्तान ऐसा था कि जहां से ये चीज नहीं सिखाएगी कि आपको इकबाल का शेर आता भी है कि नहीं, अगर कोई बात नहीं मेरे से मिस्टेक होगी तो मुझे उस बात पे शर्मिंदा नहीं होना पड़ा. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, हम सिखाते. तो दबिस्तान प्लेटफॉर्म वाहिद ऐसा है. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ आए भी हैं दबिस्तान सेशन अटेंड कर रहे हैं, और अभी भी जितने स्टूडेंट्स हैं मैं इनको कहता हूं कि दबिस्तान एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां इकबाल की बेसिक बड़े अच्छे अंदाज में मुझसे अच्छे उस्तादा वहां बैठे हुए हैं और वो आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे. बस मैम, ये मेरा मैसेज था. थैंक यू, और आप सबका शुक्रिया, और स्पेशली दबिस्तान का शुक्रिया जो उन्होंने मुझे स्पेशली इन्वाइट किया और यहाँ जो सेशन था वो हुआ. Okay, thank you so much, Usman, and thank you so much for giving this wonderful message for Dabistan. Okay, our viewers, with this we are signing off. Hope to see you in our episode 3 very soon. Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz.